अगर आपने कभी सोचा है कि आपकी तस्वीर रियल उम्र से कम की दिखे, आप जवान या बुजुर्ग दिखे, या फिर आपकी तस्वीर किसी और लिंग में किन्नर महिला या पुरुष दिखे, तो आपकी ख्वाहिश इस मेकअप के जरिए पूरी हो जाएगी। फेस ऐप के संस्थापक यारोस्लाव गोंचारोव ने अपने इस ऐप के खासियतों के बारे में दुनिया को जानकारी देते हुए कहा है कि जब आप चाहते हैं कि आपकी तस्वीर दूसरे जेंडर में दिखे तो आपको इसके लिए काफी मेहनत और समय लगाना पड़ता है, लेकिन उन्होंने जो फेस ऐप तैयार किया है वह घंटों के काम को पल झपकते कर देता है। आईफोन के लिए तैयार किया गया ये फ्री ऐप न सिर्फ आपका जेंडर बदल सकता है, बल्कि आप इसमें मौजूद फीचर्स की मदद से खुद को ज्यादा जवान या ज्यादा स्मार्ट दिखा सकते हैं। एक अंग्रेजी वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार गोंचारोव ने बताया ये ऐप उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है जो खुद को महिला या पुरुष की बजाय थर्ड जेंडर में दिखाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने इना प्राइड नाम की महिला की तस्वीरों का उदाहरण भी दिखाया। चार तस्वीरों के इस कोलाज में आप देख सकते हैं कि एक ही महिला की चार तस्वीरें कितनी अलग अलग हैं। पिछले सप्ताह लॉन्च किए गए इस ऐप को गोंचारोव के दिमाग की उपज बताया जा रहा है जो माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व इंजीनियर हैं। गोंचारोव ने इस ऐप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे फीचर भी जोड़े हैं जो किसी भी तस्वीर में मुस्कान या दूसरे भाव दिखा सकता है, यानी सेल्फी लेने के वक्त किसी का मुंह बंद है तब भी ऐप की मदद से तस्वीर में मुस्कान लाई जा सकती है। गोंचारोव ने इस ऐप को विकसित करने के पीछे एक रोचक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने अपनी दोस्त की फोटो खींची, लेकिन उसी वक्त उनके दोस्त ने इच्छा जताई कि अगर वे थोड़ी स्माइल कर रही होती तो फोटो ज्यादा अच्छी दिखती। इसके लिए उनके पास ऑप्शन था कि वो फोटोशॉप की मदद से फोटो में कुछ सुधार कर सकते थे, लेकिन उन्हें फोटोशॉप पर घंटों काम करना पसंद नहीं, तो उन्होंने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ऐप विकसित करने की सोची। कुछ दिन की कड़ी मेहनत के बाद जब उन्होंने ऐप तैयार किया, उसके रिजल्ट अपने दोस्तों को दिखाए तो वे अचंभित रह गए। उन्हें ये काम तो बिल्कुल जादू सा लगा। उन्होंने बताया कि ऐसी ही तकनीक पर प्रिज्मा और पिकासो भी फोटो को बदलकर कलात्मक रूप दे देते हैं।